नमस्कार, आदाब, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप लोग अपने लिए या फिर अपने कस्टमर के लिए या किसी के लिए भी अगर डीएल अप्लाई करना चाहते हैं, अभी ऑनलाइन ही सारा कुछ प्रोसेस होता है और आपका जो लर्निंग टेस्ट है, मशीन टेस्ट, वो ऑनलाइन ही होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको डीएल के लिए, लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे अपने गूगल क्रोम या मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, कहीं भी वहां पर जाके हमें परिवहन लिख के सर्च करना है। जब परिवहन के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे साइड में होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऐसा लिंक दिखेगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको परिवहन का होम पेज कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नीचे में ड्राइवर या लर्नर लाइसेंस के बारे में है, या ड्राइविंग स्कूल के बारे में, ऑनलाइन टेस्ट, नीचे में आपको व्हीकल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस के लिए या लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, मोर पे क्लिक कर देंगे। जब मोर पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करने के बोला जाएगा। आपका जो भी स्टेट है, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आप स्टेट चूज कर लेंगे। वो स्टेट चूज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पेज आगे बढ़ जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको नया लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना है तो उसका ऑप्शन मिलेगा, या फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है तो उसका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको डीएल का रिन्यूअल करना है वो ऑप्शन मिलेगा, डुप्लीकेट डीएल बनाना है वो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट स्टेटमेंट करना है, यानी कि जो कंप्लीट एप्लीकेशन है, पेंडिंग एप्लीकेशन, उसको कंप्लीट करना है, सारा ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल हमें यहाँ पे अप्लाई लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करना है क्योंकि हम नया लाइसेंस बना रहे हैं। सबसे पहले हमें लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे अप्लाई लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कर देंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा जो फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइंग लर्नर लाइसेंस। एप्लीकेशन डिटेल फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है यहाँ पे। बट यहाँ पे अभी क्या होगा, आधार से ऑथेंटिकेट होता है तो कुछ भी आपको अपलोड करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आधार से सारा कुछ फेस कर लेता है। यहाँ सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि लाइसेंस जो है किसी भी पर्सन का एक ही होता है, तो यहाँ पे कोई भी लाइसेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देंगे। कैटेगरी आपका जनरल है तो जनरल करेंगे, अगर कोई दूसरा कैटेगरी है वो चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है तो इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तब दूसरे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो बेटर यही होगा, सबसे आपको ईजी पड़ेगा और आपको आगे चल के भी सारा सहूलत अगर लेना है तो यहाँ पे आधार कार्ड मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे इस पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में देखेंगे नोटिफिकेशन आ रहा है, इफ़ योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन चेंज प्लीज गेट द न्यू मोबाइल नंबर लिंक्ड अपडेट विथ योर आधार। अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है तो आप नया मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराएं, उसके बाद यहाँ पे आके अप्लाई करें। आप इस नोटिफिकेशन को ओके पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट जो है चूज किया ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर पूछा जा रहा है, वर्चुअल आईडी पूछा जा रहा है, यानी कि आपको आधार नंबर देना है वो, या वर्चुअल आईडी वी नंबर होता है वो देना है, दोनों में से कोई एक देके यहाँ पे आपको जेनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जब जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा वहाँ पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप इंटर्न ओटीपी हेयर पे आप यहाँ पे देखेंगे जो बॉक्स बना वहाँ पे आप दे देंगे। ओटीपी देने के बाद आपको तीनों जो चेक बॉक्स है उसको आपको चेक बॉक्स करना है कि टर्म्स एंड कंडीशन, आई अंडरस्टैंड दैट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेल इंश्योर सिक्योरिटी यूकेसी, ये सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सब आप ओके कर देंगे, यानी सब पे चेक कर देंगे। चेक करने के बाद आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। जब ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे कि जो भी आधार कार्ड पे आपका डिटेल था, आपका पिक्चर, आपका नाम, आपका रिलेशन, आपका फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड में, वो सारा डिटेल यहाँ पे फेच कर लेगा। सारों को एक बार रिव्यू कर लेंगे, सब कुछ अगर परफेक्ट है, ओके है यहाँ पे, तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है, आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके स्टेट में जो भी है यहाँ पे आरटीओ ऑफिस सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपका नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद आप अपने नाम को एक बार वेरीफाई कर लेंगे, अपने फादर नाम को एक बार वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन चूज़ करना है कि आप कितने तक पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप यहाँ पे अगर मालूम है तो देंगे, नहीं तो अननोन ही छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट अगर कुछ है तो वो देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसका जो एड्रेस में कुछ बचा हुआ चीज़ है वो सारा चीज़ को आप अच्छे से फिल कर लेंगे एज़ पर आधार कार्ड। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में सेम एज प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वो ये है, मतलब जो भी चूज़ करेंगे आप फर्स्ट एड्रेस सेम वही चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा, तो कुछ भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा लाइसेंस बनाना है, मोटरसाइकिल विदाउट गियर बनाना है, मोटरसाइकिल विद गियर बनाना है, लाइट मोटर व्हीकल यानी कि फोर व्हीलर के बनाना है, या फिर लेम्बी यानी थ्री व्हीलर के लिए बनाना है।
जो भी जिस टाइप का आपको लाइसेंस बनाना है वहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे देखेंगे राइट साइड में बॉक्स में वो ऑटोमेटिक चला गया। अब राइट साइड बॉक्स में ये जो भी चीज़ है वहाँ पे आपको समझिए इस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसका नीचे में आपको देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, फॉर्म वन जो मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑनलाइन, वो आपको यहाँ पे देना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, यानी कि सडन अटैक आता हो या फिर कॉन्शियस खो जाते हैं, यस या नो नो पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि अगर यस पे क्लिक करेंगे तो लाइसेंस आप नहीं बना पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद ईच आई, यानी कि दोनों आई के बीच में जो डिस्टिंग्विश, यानी कि जो भी आप देख पाते हैं सही से, आपका साइट अच्छा है 25 मीटर तक का लाइट में गुड डेटा, यानी कि आप ये सारा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। उसके बाद सीन नंबर में यहाँ पूछ रहा है को भी आपने अपना एक हाथ या एक पैर खोया है, यानी आप ये सब देख लेंगे। मैक्सिमम यहाँ पे नो होगा, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, ना ही आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, नहीं ये सब कुछ है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको यस होगा, जो आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद ईच आई, मतलब दोनों आई के बीच में डिस्टिंग्विश करना, बाकी ये सारा फ्लानिंग करना जो भी है पढ़ लेना, ये यस होगा। बाकी सब यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे उसका सारा, जब यहाँ पे यस नो कर देंगे, करने के बाद यहाँ पे आप कंसेंट देंगे, आई हर बाई डिक्लेयर दैट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव द पार्टिकुलर गिव अबव, यानी कि ऊपर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया यस नो क्लिक किया है वो आपका सही है। ये सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन एज अ फिजिकल फिटनेस, तो भाई बिल्कुल मैं श्योर हूँ, तभी तो मेरा लाइसेंस अप्लाई होगा। यहाँ पे देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे बैक पे क्लिक करके वापस से वहाँ पे आ जाएंगे जहाँ से हम लोग गए थे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कुछ चीज़, जैसे आप क्या डोनेट करना चाहते हैं ऑर्गन, यानी आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है तो आप अपना कोई ऑर्गन है वो डोनेट करना चाहते हैं। दूसरा आपको पूछ रहा है आई हैव डिक्लेयर दैट द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव द पार्टिकुलर गिवन अबव आर ट्रू, यानी कि वही चीज़ है कि आपने जो भी ऊपर बताया वो सब कुछ सही है आपके बेस्ट ऑफ नॉलेज में। ये सारा कुछ देख के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा कि आपने जो एप्लीकेशन डाला है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन जनरेट होगा, आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे एप्लीकेशन प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, जो है एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो है यहाँ पे जनरेट जो हुआ है वो आप उनको प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि आपको बाद में लगेगा एप्लीकेशन नंबर लगेगा, इंपॉर्टेंट है, उसको सेव करके रख लीजिए, या फिर प्रिंटर है तो आप प्रिंट करके रख लीजिए, एक कॉपी सेव करके भी रख लीजिएगा, ताकि बाद में ये जरूरत पड़े तो आपके पास ये चीज़ अवेलेबल हो। प्रिंट करने के बाद या सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अब यहाँ पे कैप्चा देना है, कैप्चा देके सबमिट कर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपका डिटेल आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन डेट आ जाएगा, आरटीओ नेम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा। नीचे में आपको देखेंगे किसके लिए अप्लाई करें, तो इशूइंग ऑफ लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मोटरसाइकिल विथ गियर के आपका ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट, जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी लेता है एज पर आधार, अगर KYC करते हो तो यहाँ पे देखेंगे एक्सेम्प्टेड है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वो भी एक्सेम्प्टेड है, क्योंकि आपको फोटो यहाँ पे एज पर आधार कार्ड ले लेगा, और जब आप फाइनल के लिए जाएंगे तब वहाँ पे आपका पिक्चर ले जाएगा, सिग्नेचर किया जाएगा, वही आपके लाइसेंस पे आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे फी पे करना है ₹240 का फी पे करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट डिटेल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं फी पेमेंट का, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जब प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप एप्लीकेशन फी फॉर LL या DL टेस्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ है। नीचे में आप देखेंगे जो कॉस्ट है वहाँ पे देखेगा ECU ऑफ न्यू LL ₹150 है, LL टेस्ट आपका ₹50 है, और आपको यहाँ पे जो भी टोटल कैलकुलेशन करके ₹240 दिखा रहा है। यहाँ पे बैंक गेटवे GR IPS वेस्ट बंगाल चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा देंगे, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक लेके रखा है, जहाँ पे आपको मैसेज जाएगा वो सारा डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया फिर से टैब ओपन होगा, यानी पेमेंट में ही कई सारा टैब यहाँ पे ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको GRPS का वेबसाइट ओपन हो जाएगा 2.0, जहाँ से आपको पेमेंट करना है। नीचे में यहाँ के आपको पेमेंट को वैलिडेट करना पड़ेगा, यानी वेरीफाइड एंड चेक करेंगे, उसका नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पेमेंट मोड चेक करना है कि आप कौन सा पेमेंट लेंगे, तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ एक ही है SBI ePay, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पे थ्रो पेमेंट गेटवे या बैंक पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे एक GRN नंबर, यानी कि गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, ये इसको आप रखेंगे पेमेंट ट्रैक करने में आपको काम आने वाला है। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में देखेंगे सारा कुछ डिटेल मिलेगा, और नीचे में आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, ₹240 जो अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे में अब लेके चला आएगा। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से, सारे चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे यूपीआई प्रेफर करूँगा क्योंकि ईजी प्रोसेस है, तो मैं यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करूँगा। जो भी मेरा यूपीआई आईडी है वहाँ पे दूंगा। यूपीआई आईडी देने के बाद यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम लेगा क्योंकि वो पेमेंट वेरीफाई करता है। पेमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको सक्सेस का मैसेज आएगा। यहाँ पे आप चालान डाउनलोड कर लेंगे। चालान डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको प्रिंट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो भी आपने यहाँ पे चालान प्रिंट करना है, आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर, टोटल अमाउंट, जो भी है स्टेटस, आपको सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसका जो भी कैप्चा है वो दे देंगे और प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके रख लेंगे क्योंकि ये बाद में आपको काम आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। डेट ऑफ बर्थ देना है, डेट ऑफ बर्थ देने के बाद फिर से कैप्चा देना है। कैप्चा देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वापस से वहीं पे पेज पे ले आएगा, मेन पेज पे, जहाँ से आपको अपॉइंटमेंट डिटेल चेक करना है। यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक वो ऑप्शन चूज किया हुआ है कि एल एल स्लॉट बुकिंग ऑप्शन। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा, यानी कि वही पेज आगे बढ़ेगा जहाँ पे आपको सारा डिटेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे रिक्वेस्ट सर्विस क्या है, तो इश्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस मोटरसाइकिल विथ गियर, प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर खुलेगा, जहाँ पे आपको ग्रीन कलर का जो दिख रहा है मतलब वैकेंट है, उस टाइम में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रेड कलर का मतलब है कि स्लॉट अवेलेबल नहीं है। ब्लू कलर का मतलब है हॉलीडे है। और यहाँ पे ग्रे कलर है, यानी कि प्रीवियस ईयर फ्यूचर, यानी कि जो डेट गुजर चुका है उसका डेट आपको देखने को मिलेगा। तो जो ग्रीन कलर का है उसमें से कोई एक डेट आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको राइट साइड में देखेंगे तो आपको टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। टाइम सेलेक्ट करके बाद उसके बाद बुक स्लॉट पे नीचे में क्लिक कर देंगे। जब बुक स्लॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा डिटेल मिलेगा, प्लस यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड, जो मोबाइल नंबर दिया गया है वहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी यानी सिक्योरिटी कोड आएगा। सिक्योरिटी कोड देने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म टू बुक स्लॉट, यानी स्लॉट बुक करने का कंफर्म जो है वो ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक पीडीएफ जनरेट होगा, जहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है जो भी आपका लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई की अपॉइंटमेंट लिया है। वो डेट आपको दिखेगा, आपको यहाँ पर टाइम दिख जाएगा, उसके बीच में आपको यहाँ पर लर्नर लाइसेंस टेस्ट देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैंने लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अब उसके बाद जो वीडियो आएगा यहाँ पे टेस्ट देने का, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा मंत्र है कि आप उसको फॉलो करेंगे तो 100% आपको पास होना ही होना है, फेल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस वीडियो का प्लीज़ वेट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही था कि मैंने आपको बताया कि लर्नर लाइसेंस के लिए अगर डीएल अप्लाई करना, सबसे पहला प्रोसेस है एलएल, उसके लिए कैसे आपको प्रोसेस करना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।